हाय गाइस, मैं अजय चौधरी। आज भाई अपने साथ है ऑल न्यू अपडेटेड महिंद्रा XUV 700, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, डिमांडिंग, मोस्ट सेलिंग वेरिएंट आपके लिए लेकर आए हैं, और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी अपन बोल सकते हैं, अपना AX5। इस वेरिएंट में आपको क्या कुछ खास मिलने वाला है, सारी बात अपन डिटेल में करने वाले, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि सब न्यू अपडेट्स भी आ गए, तो सारे आपके साथ अपना शेयर करेंगे। अगर आप कोई भी डीजल में 5 सीटर या 7 सीटर का लेना प्लान कर रहे हो, तो आपके लिए 700 किसी का चॉइस होने वाली है, सारी बात अपन करेंगे। तो फटाफट से गाइस अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं भाई उज्जैन से बिलोंग करता हूँ। जय श्री महाकाल भाइयों, बाकी आप कैसे देख रहे हो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अपन की से स्टार्ट करते हैं, तो इससे कुछ आपको साथ में अपनी चाबी मिल जाती है, चाबी से ही छुपा हुआ इसका एक अपना नया अपडेट है जो कि आपको अंदर चल के अपना बताएंगे। बाकी 3 बटन्स आपको इसमें अपने मिल जाएंगे, लॉक, अनलॉक एंड बूट और ओपन करने का आपको इसमें अपना बटन मिल जाता है। और प्राइस में आपको इसकी बताऊँ तो ये हमारे सिटी में AX5 डीजल मैनुअल 5 सीटर ऑन रोड अपना पड़ रहा है 22 लाख रुपये के आसपास, और अगर आप अपनी 7 सीटर लेते हो तो फिर अपनी 20-1 हज़ार रुपये अपनी प्राइस अपनी बढ़ जाती है। तो आपकी चॉइस के ऊपर हिसाब से आप अपना देख लेना कि आपको अपना 5 सीटर लेना है या अपनी 7 सीटर लेना है। पेट्रोल और डीजल दोनों में अपना AX5 वेरिएंट अपना आ जाता है। अब ये कार इतने मार्केट में धूम मचा रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न इसके लुक्स भी हो जाते हैं। रोड पर ये निकलती है ना, तो क्या ही नेक्स्ट लेवल के इसके लुक्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इस सेगमेंट अपनी जितनी भी गाड़ियाँ आती ना, उनमें सबसे ज़्यादा बोल्ड एंड मस्कुलर आपको यही अपनी लगने वाली है। स्पेशली आप मिडनाइट ब्लैक कलर देख सकते हो कितना ज़्यादा अपना खूबसूरत लगता है। AX5 रेंट में अभी आपको बढ़िया अपनी DRL मिल जाती है, और मुझे महिंद्रा की ये सबसे अच्छी बात लगती है कि आप अपना AX5 लोगे या फिर बेस मॉडल लोगे, सब में एक जैसी ग्रिल आती है, तो अपने को अच्छा फील तो अपने दे ही देती है। टो मॉडल जैसा ही फील आपको अपना देने वाली है, बस इसमें आपको फ्रंट में अपना कैमरा नहीं मिलेगा। बाकी ग्रिल की आप डिजाइन देख सकते हो कितनी बढ़िया अपने को मिल जाती है, और बाकी LED में आपको इसमें लाइट का अपना सेटअप मिलने वाला है, रिफ्लेक्टर बेस्ड LED लाइट अपने को उसमें मिल जाती है, तो कुछ अपना इशू नहीं है, सारा LED का ही अपने को सेटअप मिल जाता है। और बाकी फॉग लैंप भी आपको इसमें अपने नीचे मिल जाएंगे, तो चलो ये भी आपको अलग से अपना लगवाना नहीं पड़ेगा। गाइस ज़्यादा आपको वेट नहीं कराते, और आपको फाइनली अपना फर्स्ट बिगेस्ट अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपको मैंने बताया था कि अपनी चाबी से रिलेटेड ही है। तो भाई ये आप देखो, आपको यहाँ पर है नया नया सा कुछ दिख रहा होगा, है ये इसकी शक्ल नई नई सी आपको दिख रही होगी, जो कि आपको टॉप मॉडल में अपनी देखने में मिलती है। भाई इसकी थोड़ी कमी लगती थी, अब वो भी महिंद्रा ने अपनी फुलफिल कर दी है। तो चलो अपने को इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी अपना बटन दे दिया है, तो अपने को सिंपली बस यहाँ पर अपनी चाबी रखनी है और मस्त अपने को चल देना है। पहले अपने को यहाँ पर अपना की यहाँ पर अपनी लगानी पड़ती थी, पर चलो अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप अपना बटन दे दिया है। बाकी और भी जो अपना 2-3 अपडेट आए हैं वो भी आपको बताएंगे। बाकी उससे पहले अपन चलते हैं इसके साइड वॉल पर, इस साइड वॉल से भी आप लुक चेकआउट कर सकते हो। ये देखो कितनी ज़्यादा सही लगती है लुक्स में, तो सच में नो डाउट आपके लिए बहुत ही सही रहने वाली है। बाकी टायर प्रोफाइल में आपको बताऊँ तो इसमें आपको कहाँ लिखा है भाई, जल्दी मिल जाओ, ये रहा 235/65 R17 इंच के आपको इसमें अपने व्हील्स मिलने वाले हैं, और अलग व्हील्स की डिज़ाइन आप इसमें अपनी देख सकते हो। बाकी फ्रंट में आपको बढ़िया अपनी डिस्क मिल जाती है, और यहाँ पर आप क्लेडिंग की साइज़ अपनी देख सकते हो। और जो अपना ORV में ये आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा AX5 में। अब देखो मिडनाइट ब्लैक में तो अपना इतना पता नहीं चलेगा, दूर से देखो तो ऐसे लगता है कि बॉडी कलर भी अपना दे रखा है, बाकी आपको ब्लैक में देखने को मिलेगा। और इसमें अपने को यहाँ पर अपना इंडिकेटर आ जाता है कि आप देखोगे तो बढ़िया XUV में अपने को ऐसे डोर हैंडल्स आ जाते हैं जो कि अपने को प्रीमियम फील तो दे ही देते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ भी अपनी सिल्वर फिनिश वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, अपना जो A पिलर है वो बॉडी कलर में है, बाकी B पिलर और C पिलर आपको अपने ब्लैक में आ जाते हैं, और पीछे आप D पिलर भी देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट अपना ब्लैक में ही है। बाकी रूफ रेल्स की साइज आप देख सकते हो इतनी कुछ अपने को मिल जाती है। और एक और खास चीज़ अपने को एक साइज मिल जाती है सनरूफ, जिसके मजे अभी अपन अंदर चल के लेंगे। और ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको अपना सफिशिएंट अपना मिल जाता है, कोई भी आपको इशू आएगा नहीं, मस्त आप ऑफरिंग इससे अपनी करने वाले हो। और बाकी रियर में भी आपको अपनी डिस्क मिल जाती है, तो ब्रेकिंग भी आपको कार में काफ़ी अपनी अच्छी मिल जाएगी, आगे पीछे दोनों में आपको डिस्क मिल जाती है, चारों ही टायर में आपको डिस्क अपनी प्रोवाइड होने वाली है। क्वार्टर ग्लास की अपनी साइज़ भी आप देख सकते हो, ये भी अपनी काफ़ी बड़ी है। वैसे तो अपनी 5 सीटर है, बाकी अगर 7 सीटर अगर रहती तो अपने को अंदर भी अच्छा एरिया कवर रहता है, ऐसा खुला खुला सा अपने को लगता है। चलते हैं गाइस अपन बैक प्रोफाइल पर, तो जितनी बीस्ट ये आगे से लगती है उससे कई हद तक ज़्यादा बीस्ट ये अपनी रियर प्रोफाइल से लगती है, आप चेकआउट करो। अपनी महिंद्रा XUV 700 देखो दूसरी गाड़ियों की अगर सेल्स खा रही है तो उसका एक रीज़न इसके लुक्स भी हो जाते हैं, और इसके प्रीमियमनेस भी हो जाती है, जो कि अभी आपको अंदर जाके अपना बताएंगे। और फिर प्राइस पॉइंट भी हो जाता है, क्योंकि ये देखो अपनी AX5 भी बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और अपने को 22 लाख भी अपना आ जाता है। दूसरा आप देखोगे अगर इस सेगमेंट की जैसे क्रेटा हो गई, सेल्टोस हो गई, उनकी भी प्राइस अपनी 22-24 तक चली जाती है, अगर उनका अपन टॉप मॉडल वगैरह लेते हैं तो उनको छोड़ के ना फिर लोग अपने XUV 700 AX5 अपने ले लेते हैं, तो एक खास बात हो जाती है। बाकी दूसरा मैं आपको अपडेट बताऊँ तो आपको इसमें अपना रियर कैमरा भी अपना मिलने वाला है, आपको आफ्टर मार्केट भाई नहीं लगवाना पड़ेगा, आप बढ़िया अपना कंपनी फिटेड ही अपना आने वाला है। अभी अंदर चल के आपको इसकी कैमरा क्वालिटी पर चेकआउट कराएंगे। बाकी XUV 700 AX5 की ब्रांडिंग आपको मिलने वाली है, काफ़ी बढ़िया आपको LED में अपनी टेल लाइट अपनी मिलने वाली है,
वाइपर, वॉशर, डिफोकर सब कुछ आपको एक स्वाइप में भी अपना मिल जाता है। तो ये भी अपने को बेसिक फीचर्स अपना कुछ भी अपने को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ऊपर आपको स्टॉप लैंप मिल जाएगा, स्पॉइलर की साइज़ आप देख सकते हो, शार्क फिन एंटीना आपको अपना मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको एडिनॉक्स की ब्रांडिंग अपने को मिल जाएगी। दो पार्किंग सेंसर्स आपको अपने मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर्स आपको अपने मिल जाएंगे, और स्किड प्लेट आप यहाँ पर भी अपना देख सकते हो। और जो अपना स्पेयर व्हील है वो आपको अपना नीचे आता है, बाकी ये तो स्टील व्हील आपको अपना मिलने वाला है। और बूट स्पेस भी गाइस आपको अपना बता देते हैं, तो ये आप चेकआउट करो, फाइव सीटर में तो आपको बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस अपनी मिलने वाली है, और अगर सेवन सीटर रहती है तो फिर अपनी यहाँ तक अपनी आ जाती है, तो फिर अपने को कम बूट स्पेस अपनी मिलती है। बाकी उसमें भी अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप सीट बढ़िया फोल्ड भी अपने कर सकते हो। बाकी फाइव सीटर में आपको बूट स्पेस से भी अपना कुछ भी अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। दोनों तरफ अपने को फिर भी इसमें बोतल होल्डर वगैरह दे रखे हैं, चार्जिंग 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको अपना दे रखा है, और नीचे आप देखोगे तो आपको टूल किट वगैरह इसमें अपनी मिल जाएगी। और बाकी आप ये सेकेंड रो की सीट भी अपनी फोल्ड कर सकते हो, बेंच फोल्डिंग सीट ही अपने को इसमें आती है। अब हम चलते हैं इंटीरियर में, उससे पहले आप डोर ट्रिम चेकआउट कर सकते हो। ऐसा कुछ आपको डुअल टोन में अपना डोर ट्रिम देखने मिल जाता है, हालांकि यहाँ पर आपको सब दूर अपना हार्ड प्लास्टिक ही आता है, सॉफ्ट टच आपको टॉप मॉडल जैसा इसमें अपना नहीं मिलेगा लेदर वगैरह में। बाकी यहाँ पर भी आपको थोड़ी सेटन फिनिश देखने को मिल जाती है, ग्लॉसी ब्लैक में आपको यहाँ पर फिनिश देखने को मिल जाएगी, और इनसाइड डोर हैंडल आपको इसमें सादे ही अपने आते हैं ब्लैक कलर में। बाकी और फोल पावर विंडो आपको अपनी मिलने वाली है, और वॉल्यूम जो आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट तो कर सकते हो, बाकी फोल्ड आपको हाथ से ही मैनुअली अपने करने पड़ेंगे। और बाकी यहाँ पर आपको सेंटर लॉकिंग का बटन देखने मिल जाएगा, पावर विंडो लॉक करने का बटन मिल जाएगा, नीचे आपको बोतल होल्डर, कुछ स्पेस और स्पीकर आपको देखने मिल जाएगा, और सीट हाइट आप इसमें अपनी मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, और इसमें रिक्लाइनिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में आपको इसमें एक साइज में अपनी सीट्स अपनी मिलने वाली है, बाकी कुछ नहीं वगैरह तो इसकी अपनी बढ़िया है। अभी बैठकर अपन कंफर्ट वगैरह भी आपको सब अपना बता देंगे। बाकी अब अपन चलते हैं भाई इंटीरियर में, और ज़्यादा आपको वेट नहीं कराते हैं, उसका लास्ट मेजर अपडेट मैं आपको बता देता हूँ जो कि हो जाता है। एक तो यार देखो ये कितना बढ़िया एनिमेशन आता है, यही दिल को सुकून दे देता है, और प्रीमियम फील तो आपको ये कार बहुत देने वाली है। जितनी भी आप कार देखोगे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लग्जरी फील आपको यही देगी, उसमें तो कुछ भी अपना डाउट नहीं है। अब लास्ट में आपको अपडेट बताऊं तो देखो पहले जो बटन्स कुछ यहाँ पर आते थे ना, वो भी अपने यहाँ पर ही दे दें स्टीयरिंग पर। एंड भाई सबसे अच्छा अपडेट तो ये लगा कि अब इसमें अपना क्रूज कंट्रोल भी आ गया है, जो सबसे बड़ी कमी तो यही लगती थी। अपना क्रूज कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन तो सबसे बढ़िया अपना अपडेट है। बाकी कैमरा भी आपको चेकआउट कर देते हैं, ये देखो भाई रियर की क्वालिटी वैसे तो देखो ठीक ठाक ही है। अगर मैं एंगल आपको बताऊं तो ऐसे कुछ आपको इसमें एंगल देखने मिल जाएंगे, ये थोड़ा अब देखो अच्छे से, वैसे तो ठीक ठाक ही अपना काम चल जाएगा, पहले नहीं आता था, चलो अब कुछ तो आ रहा है अपने कम से कम, डिसेंट ही आपको इसकी अपनी क्वालिटी लगेगी, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आ तो रहा है। ये बात तो है कि आज जितने भी अपने मार्केट में ट्रेंड आया ना, वो तो हमने एक्सयूवी 700 ही लेकर आई है, जैसे कि अपना एडास हो गया, 360 कैमरा हो गया, ये फिर अपना कनेक्टेड अपना इंफोटेनमेंट हो गया, ये सब एक्सयूवी 700 लेकर ही आई है। उसके बाद फिर हर गाड़ी में अपना 360 कैमरा आजकल बजट वाली गाड़ियों में भी आ रहा है, ये कनेक्टेड सेटअप भी आप देखो काफ़ी सारी गाड़ियों में अपने को यही देखने को मिल रहा है, एडास भी आजकल हर गाड़ी में आ रहा है। तो ये देखो सारा मार्केट में ट्रेंड 700 ही लेकर आई है, इसलिए बहुत ही बढ़िया इसका एडास भी अच्छे से काम करता है। बाकी एक साइज में तो आपको नहीं मिलेगा, बाकी एक साइज में आपको सबसे बढ़िया चीज़ मिलने वाली है जो कि हो जाती है भाई अपने सनरूफ। ये देखो एक तो मौसम भी आप देखो बाहर कितना अपना प्यारा हो रहा है, तो इसका अलग ही मजा है, तो सनरूफ भी आपको अपनी बढ़िया मिलने वाली है। ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है यार, बढ़िया मौसम में आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, तो अपने को सनरूफ भी मिल जाएगी, चलो अच्छी बात है। और बाकी मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हो बढ़िया फुल डिजिटली क्लस्टर आपको अपना मिलने वाला है, भर भर के इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अपनी मिल जाएगी, ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं रखते हैं क्योंकि आपको सभी इसका तो अपना पता ही होगा। बाकी इधर आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स, इधर आपको वाइपर के कंट्रोल्स, बाकी इधर आपको इंफोटेनमेंट के बटन्स आपको अपने मिल जाएंगे, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब तो आपको अपने मिल जाएगा। उसकी एसी कूलिंग भी अपनी काफ़ी अच्छी है, बाकी आपको एक साइड में तो अपने मैनुअल कंट्रोल्स ही अपने आएंगे। ये देखो कितनी खतरनाक पेन स्पीड है यार, मास्क बहुत जल्दी चिड़ चिड़ का आपको ये कर देगा। और नीचे आपको USB पोर्ट अपना मिल जाएगा, थोड़ी बहुत स्पेस आपको यहाँ पर अपनी मिल जाएगी, बढ़िया चाबी वगैरह रख लो, मोबाइल वगैरह अपना रख लो, और 6 गियर आपको अपने मिलने वाले हैं, और ये अपना हैंड ब्रेक, यहाँ पर अभी आपको कप होल्डर्स वगैरह अपने मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट आपको इसमें हार्ड प्लास्टिक में ही मिलेगा, थोड़ी बहुत स्पेस आपको यहाँ पर भी अपनी मिल जाएगी, और IRVM आपको मैनुअली एडजस्टेबल अपना मिलेगा, और यहाँ पर आपको कुछ भी टिकट होल्डर तक नहीं मिलता है। इधर आपको सनग्लास होल्डर अपना मिल जाएगा, इधर आप देखोगे तो इधर आपको वैनिटी मिरर अपना मिल जाता है, बाकी लाइट इसमें नहीं दे रखी लाइट, तो बाकी वैनिटी मिरर आपको अपना मिल जाएगा। और ग्लोव बॉक्स में देखो ये कितनी बढ़िया स्पेस इसमें हमने दे रखी है,
और थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ भी आप पर भी आपको दे रखी है। स्पेस के मामले में देखो गाड़ी अपने लिए बहुत बढ़िया हो जाती है। केबिन भी आपको बढ़िया स्पेशियस ही अपना लगने वाला है, एकदम बिग साइज एसयूवी फील वाला फील तो आपको दे देगी और साथ में काफ़ी लग्जरी फील भी आपको देने वाली है। और बोनट भी आप देख सकते हो बढ़िया अपने लिए विजिबल रहता है, तो कुछ भी अपने लिए इशू नहीं है। और सीट्स भी बढ़िया अपनी कंफर्टेबल रह सकती है। मेरी हाइट अपनी 5'8" के आसपास है, देखो कितना बढ़िया थाई सपोर्ट मिल रहा है और सीट की कुशनिंग भी अच्छी है, तो बढ़िया लॉन्ग ड्राइव्स में भी आपके लिए अपनी कंफर्टेबल रहने वाली है। और सेम अपना को पैसेंजर के लिए भी अपना हो जाता है। तो चलो आगे की सारी खास बातें अपन ने कर ली, अब अपन चलते हैं रियर में। में भी गाइस आपको सारा वही अपना सेम सेटअप अपना मिलने वाला है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का बटन अपना मिल जाएगा और बाकी वही अपनी ग्लॉसी फिनिश, शेटन फिनिश, कप होल्डर सॉरी बॉटल होल्डर, स्पीकर आपको अपना मिल जाता है। और ये देखो भाई अभी ड्राइवर सीट जो है मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली है, फिर भी आप देखो कितना बढ़िया लेगरूम मिल रहा है और थाई सपोर्ट भी अच्छा है। और यहाँ सबसे अच्छी बात मुझे लगती है देखो हम्प जो है ना के बराबर है, तो बीच वाला बंडा भी देखो बहुत आराम से अपना बैठने वाला है। ये देखो मास्ट और तीन लोग तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बैठने वाले हैं और साथ में एडजस्ट होकर चार लोग भी बैठ जाए, इतनी बढ़िया स्पेस अपनी दे रखी है। ये अपन बात कर लेते हैं इसके इंजन की। पहले अपन करते हैं इसका बोनट ओपन और इंजन स्पेक्स की अपन बात कर लेते हैं। अभी देखो जैसे अपन इसमें अपना बोनट ओपन करते हैं ना तो अपना हेजार्ड चालू हो जाते हैं, तो ये भी सेफ्टी फीचर्स के लिए अपना अच्छा है। स्पेक्स मैं आपके साथ शेयर करूं तो इसमें आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है बहुत ही बढ़िया 182 bhp की पावर एंड 420 nm का टॉर्क। बहुत ही बढ़िया आपको अपना टॉर्क मिलने वाला है। अब इस गाड़ी की परफॉर्मेंस का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब इस सेगमेंट में अपनी जितनी भी गाड़ियाँ सबको भाई ये मस्त अपनी हरा चुकी है ड्रैग रेस में, तो बहुत ही बढ़िया आपको इसमें चलाने में अपनी फील आने वाली है। पावर एंड टॉर्क दोनों ही आपको बहुत गजब का मिल जाएगा। और साथ में देखो इतनी बड़ी गाड़ी होकर भी ये डीजल में बहुत अच्छा माइलेज देती है, मेरे खुद के दोस्त के पास भी है तो उसने यार हाईवे पर 18-19 तक का भी अपना माइलेज निकाला है। और सिटी में आप बेसिकली इसको चलाओगे तो फिर आप अपना 14-15 तक अपना मान सकते हो, बाकी एवरेज माइलेज में आपको इसका बताऊँ तो हाँ आप इससे 16-17 का तो पकड़ के बैठो, बहुत ही बढ़िया माइलेज दे देगी यार, मतलब नो डाउट यार गाड़ी बहुत तगड़ी है। अपन ज़्यादा इसकी बुराई तो अपन कर ही सकते हैं और बिल्ड क्वालिटी में भी बहुत जोरदार है। अभी मैंने इसकी बोनट उठाया तो उससे अपने मालूम पड़ जाता है 5 स्टार अपने रेटेड है। सारे सेफ्टी फीचर्स भी अपने को सारे ABS EBD ये सब अपने को अपना मिल जाता है। और आपको इसमें एक साइड में अपने 4 एयरबैग्स भी अपने मिल जाते हैं, तो सेफ्टी से भी आपको अपना कुछ भी अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। तो गाइस वीडियो को अपन यहीं पर एंड करते हैं। जितने भी अपने मेन 3 अपडेट्स थे वो मैंने आपके साथ अपने शेयर कर दिए कि जहां बात एक स्पाइक कर जाती है तो नो डाउट अपने लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अपना हो जाता है। बाकी ऑल आपको 7 डबल अपनी कैसी लगती है कॉमेंट करके आप जरूर बताना। मुझे भी पर्सनली अपनी कार काफ़ी अच्छी लगती है। अब ऐसा नहीं मुझे अच्छी लगती तो मैंने सारी इसकी अच्छाई बात करी, सारा जेन्युइन रिव्यू मैंने आपके साथ अपना शेयर कराया। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। सब्सक्राइब नहीं करो तो मजा से नहीं आएगा, इसलिए फटाफट से लगाए सब्सक्राइब कर लो। बस अंधेरा भी अपना होने वाला है तो वीडियो फटाफट से एंड करते हैं। अब बस बारिश के मौसम में चाय पियेंगे, मिलते हैं भाई फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।